हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं तुरई का सालन। तो यहाँ पर मैंने प्याज और नारियल लिया है और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, और अच्छे से भून जाने के बाद इसका मैं छिलका उतार के इसको कट करके रख दूंगी। ये रहा ये कटे हुए प्याज, ये नारियल, अदरक लहसुन, टमाटर। तो यहाँ पे हम पेस्ट बना कर लेंगे इन सारी चीजों की। तो यहाँ पे मैंने पहले खोपड़ा और अदरक लहसुन डाल के पीसा था, और फिर मैं इसमें प्याज और टमाटर ऐड करके फिर से पीस लूंगी। हमने पीस लिया, हमें अब मैंने तुरई ले ली, इसको मैंने बैंगन जैसा काटा है। आप इसको अपने तरह से कैसा भी काट सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसा हम बैंगन काटते हैं वैसा मैंने इसको काटा है। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें तेल डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे। तो प्याज को भून लिया मैंने, फिर ये मसाला बनाया हुआ उसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाला ऐड करेंगे, फिर इसको हिला के थोड़ी देर से तुरई ऐड करेंगे। तुरई को अच्छे से मिलाएंगे इसमें, और फिर गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे। गर्म पानी में कोई भी सालन अच्छे से पक जाता है। अब नमक ऐड किया और इसको अच्छे से उबालने दिया, और ये रहा हमारा तुरई का सालन रेडी।